लाजमी बात, मैं तो एक छोटी बात करूंगा फैसल भाई, मैं आप अपने ऑफिस से यहाँ तक जो भी पहुँचा हूँ, मैंने जितना सफर किया सिवाय शारे फैसल के मुझे सड़क कहीं नहीं मिली। कराची वालों ने चार एप्लीकेशनें देखी हैं, फूड पांडा, फूड पापा, उबर करीम, हमने इस एप्लीकेशन का कोई तस्करा नहीं, सिटीजन पोर्टल वजीर आजम की कुछ नहीं सुना। देखें लोगों की इस वक्त ये पोजीशन है, कोरोना का मरीज ठेले पे केले बेच रहा है, वो उसी हालत में घर जा रहा है, बाहर माशरे में लोगों को कोरोना लगा रहा है, घर में बच्चों को कोरोना लगा रहा है, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा वो मर जाएगा, लोग दफना देंगे। अच्छा अब तो इतनी ज्यादा मौतें सामने आ रही हैं कि जनाजों में भी कोई कोविड की चीज फॉलो नहीं की जा रही। सिंध के दोनों बड़े शहर जो है वो उसके अंदर कोविड बड़ी तेजी से फैल रहा है, लोग क्यों नहीं मान रहे? देखिए सर, लोग मास्क के पीछे बहुत परेशान है, लोगों के पास पैसा नहीं है खाने को, लोगों के जो पिछले कोविड में 6 महीने बंद हुआ था उसके बाद लोग सड़कों पे आ गए, मिडिल क्लास की तो कमर टूट चुकी है, लोअर मिडिल क्लास सड़क पे आ चुकी है। लोगों का आप टेस्ट तो कीजिए, लोगों के पास नहीं है 3,000 रुपये टेस्ट कराने। कोरोना के नाम पे इस वक्त कराची शहर में माफियाज का इतना बड़ा कारोबार शुरू हो गया है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो वहाँ हम सिर्फ एक नाले के ऊपर खड़े होकर सोचते रहे वो बारिश आएगी 6 महीने बाद, सर पूरा शहर यहाँ सिर्फ माफियाज का राज है। आप मेरे साथ चलिए, 8 बजे बंद होने शादी हॉल, आप मेरे साथ 9 बजे चलें, 9:30 बजे चलें, मैं दिखाता हूँ खाने भी चल रहे, किस जगह चलेंगे, कौन सा होटल बंद है, कौन से चाय के होटल पे डिस्पोजेबल गिलास में चाय दी जा रही है, कौन सा कैफे वाला जो मिल्क शेक है वो डिस्पोजेबल में दे रहा है, कौन से रेस्टोरेंट में डिस्पोजेबल बर्तन यूज हो रहे हैं, कहीं नहीं यूज हो रहे। आप किस रिट को देखेंगे, कोई रिट नहीं बची है, यहां सिर्फ माफियाज का राज है। जो कल तक 1,000 रुपए किसी से लेता था आज 25,000 रुपए ले रहा है। कोई रुसवाई, कोई आंसरेबल कराची के अंदर कोई है ही नहीं, जो पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है उसके अंदर ये पोर्टल इसकी शिकायत नहीं चलती। जफर क्या कहेंगे, मैं नकवी साहब से भी इसके ऊपर तफसील से बात करना चाहता हूं, एक बहुत अच्छी चीज है, अच्छी चीज, लेकिन क्या कराची में नहीं चलेगी? कराची अब शिकायत करें। कराची वालों ने चार एप्लीकेशन देखी है, फूड पांडा, फूड पापा, उबर करीम, हमने इस एप्लीकेशन का कोई तस्करा नहीं, सिटीजन पोर्टल वजीर आजम की कुछ नहीं सुना, कौन सा सिटीजन पोर्टल? नहीं, मैंने इस पे बहुत शिकायत पॉइंट कराची के डिपार्टमेंट के हवाले से किया, किसके मोबाइल में है हमें बताएं, क्यों यहां के लोगों को अगर यकीन होता तो वो बेचारे 200-400 रुपए रोडों पे रिश्वत दे रहे होते, वो वहीं खड़े होते। बल्कि अब तो कराची वालों के साथ ये हो रहा है कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाला भी रोक रहा है ना, वो ये नहीं देख रहा कि आप किसी के बाप हो, किसी के ससुर हो, कोई आप किसी खानदान के बुजुर्ग हो, वो आपने अगर जरा सा कोई बात की तो वो आपकी वीडियो बना के डाल देते हैं। मतलब ये क्या बात हुई, आपका राइट तो था कि आप चालान करें, पैसे लें, छुट्टी करें, आप उसे एक बुजुर्ग को मुजरिम बना के पेश कर रहे हो पुलिस वाला जो है। तो बात ही यहाँ तो सर, अगर कोई पोर्टल होता तो क्या ही बात थी सर। नहीं, पोर्टल तो है, कहाँ है सर पोर्टल, और केपी के अंदर जबरदस्त किस चीज का सर, आपके सामने चीनी डबल रेट पे बिक रही है, आटे का कोई रेट नहीं है, गोश्त किसी के कंट्रोल में नहीं है, ट्रांसपोर्ट माफिया किसी के कंट्रोल में नहीं है कराची में, दूध माफिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, कौन सी माफिया किसके कंट्रोल में, 70% स्लम एरियाज, जो अच्छे एरियाज हैं उसमें भी सड़कें देखने को नहीं मिल रही, पानी का फुकदान है। अगर रिट की बात हो रही है, मैं आपसे फिर चैलेंज कर रहा हूं, आप चलिए कोरोना का टेस्ट आज पूरे कराची में करना शुरू कीजिए, आप दंग रह जाएंगे। देखिए जो मर रहा है उसको दफना दिया जाता है क्योंकि वो गरीब है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता भाई, वो 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं शहर में, वो उस तक पहुंच ही नहीं रहे थे, जो भी फंड थे कोरोना के वो कहां जा रहे हैं, जब लोग सरकारी उन जगहों तक पहुंच ही नहीं पा रहे कि भाई जहां से कोरोना का टेस्ट होना था। मैं तो फिर एक बात करूंगा, इस शहर को जिस मनसूबाबंदी के तहत तबाह बर्बाद किया गया है उसकी मिसाल नहीं मिलती तारीख में। आप टेस्ट कीजिए एक दफा, आपको मालूम हो जाएगा। में भी तो ये हाल है सर, जितनी तबाही सिंध में, सर केपी में, लाहौर, क्या लाहौर 70% स्लम एरियाज में मुहिज है, बाप को कोरोना है लेकिन मैंने पहले बताया आपको ठेले पे केले बेच रहा है।